दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल। और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो एक्चुअली है नीति निर्देशक तत्व। तो बहुत दिन से इसको मैं बनाना चाह रहा था, पर अब ये समय लगा है कि हमें DPSP को कवर कर सकूँ। बिकॉज ऑफ क्योंकि मुझे मूल विधि भी कवर करनी है, मुझे हिंदी भी कवर करनी है, और मुझे पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ कवर करके चलना है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचने का प्रयास करिए। सारा चीज़ें मुझे देना है क्योंकि एग्ज़ाम है, टाइम है हमारे पास, तो हम चार चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करके रिवाइज करते हैं, ठीक है। यदि मैं एक ही सब्जेक्ट लेकर चलूँगा तो शायद आपको भला ना हो पाए, मगर यदि मैं चौतरफा लेके चलूँगा तो आपको डैम श्योर है कि बेनिफिट होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार मैं कवर कर चुका हूँ। मौलिक अधिकार यदि आपने नहीं देखा तो भैया जाके देख लो। ये जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ ना भाई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यूट्यूब पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ऐसा कहीं मटेरियल आपको नहीं मिलेगा जो इतना डीप पढ़ाया गया हो, ठीक है। आप इसको मेरे नोट्स को केवल पढ़ के ना भाई आप UPSC दे सकते हो, PCS दे सकते हो। नहीं यकीन हो तो जाओ प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और मेरा पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मज़ा आ जाएगी, ठीक है। ओके, हाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यदि आपको नोट्स चाहिए हो या फिर न्यूज़पेपर चाहिए हो या फिर कोई एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप पर जुड़ने का सीधा सा मैटर ये है कि मैं उन बच्चों को सीधे जोड़ना चाहता हूँ जिनको पास जिन्हें प्रॉब्लम होती है मटेरियल से लेकर के, जिन्हें प्रॉब्लम होती है अपनी और कुछ भी प्रॉब्लम, क्योंकि सबके लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत होती होती, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए मैं सबको व्हाट्सएप पर जोड़ रहा हूँ कि मेरी फैमिली तैयार हो जिनसे मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि सबके लाइफ में एजुकेशन को लेकर के, बुक के लेकर के, नोट्स को लेकर प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप चाहें तो ऐसा व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, मौलिक अधिकार हमने खत्म कर लिया था, बस एक लास्ट इसकी स्लाइड बची है उसको भी देख लेते हैं। कुछ नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, आर्टिकल 35 के बारे में बात करेंगे और बस उसके बाद हम लोग DPSP में चलेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होता है भाई, ये क्या बोलते हैं कि ये हमारे लिए दिए जाते हैं और देखें इनकी जो प्रकृति है वो निगेटिव बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जा करके केस कर सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक हमने बहुत अच्छे से कवर किया, लगभग 23 अनुच्छेद है और उसकी बहुत सारी अनुच्छेद सब टाइटल्स में भी हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा मटेरियल आपको यूट्यूब पर ढूंढने से नहीं मिलेगा, ठीक है। US संविधान में बिल ऑफ राइट की बात की गई है और 10 संविधान 1991 में लाया गया था, US की बात करता है, ठीक है। वो हमारे लिए इतना ज़्यादा खास इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात नहीं करता है। ये अपने टर्म्स दिमाग में रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन बना करके ऐसे पूछा जाता है, इस टर्म को काट दीजिए। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की वो बात नहीं करता है, ठीक है। ये शब्द एकदम गलत है, ये मौलिक अधिकार में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, ये नीति निर्देशक तत्व में इस्तेमाल किए गए, ठीक है। ये सरकार की क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है, सरकार इसको सॉल्व करेगी। ओके, मौलिक अधिकार जो भाग 3 है वो भारतीय संविधान का मैग्ना काटा कहा जाता है। मैग्ना काटा कब आया था, 1215 में आया था। कब आया था, 1215 में आया था, ठीक है, इंग्लैंड में आया था ये, ठीक है। इसलिए इसे हमारे देश का मैग्ना काटा कहा जाता है, ठीक है। ओके, इसकी सुरक्षा का दायित्व तो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के आसपास है और स्पेसिफाई जो है 14, 15, 16 जो मिल करके समाजवाद की संकल्पना करते हैं। बाकी मैंने बहुत सारी 14, 15, 14 की 1, 2, 3, 15 के 1, 2, 3, 4 सब टाइटल भी पढ़ाए हैं, किसी यूट्यूबर ने नहीं पढ़ाए सब टाइटल, क्योंकि वो बस क्या है, एक मार्केट तैयार कर रहा है, फिर अपना बिजनेस निकालेंगे और बस धंधा शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो मुझे नहीं करना है, मुझे जेन्युइन बच्चा चाहिए जो पढ़ना चाहता है, ठीक है। जिसको मुजरा उजरा देखना वो यहाँ पर ना आए, पहले बता दो, ये टिकटॉक वीडियो नहीं चल रहा है कि यहाँ पर तुम्हें इंटरटेनमेंट मिलेगा, मजाक वजाक नहीं, यहाँ प्योर प्योर एजुकेशन पर्पज से है। और मेरी वीडियो जब भी आप देखें तो पेन और पेंसिल लेके बैठे, पेन और पेपर जरूर लेके बैठे, बिना उसके मेरे वीडियो को मत देखें कि बेड पर लगे हुए लीड लगा लिए, ठूस लिए, बढ़िया आराम से मज़ा ले रहे, भैया कोई पिक्चर थोड़ी देख रहा हो, जीवन का खेल खेल रहे हो, समझो कि नहीं। यदि तुम इसको ढंग से पढ़ोगे तो सेलेक्ट हो गए आगे जा करके, नहीं सेलेक्ट होगे तो वही दोष देते रहोगे कि मैं गरीब था, मेरे पास मटेरियल नहीं था, मेरे पास सारी सुविधाएं मैं दे रहा हूँ कि मुझसे जुड़ो आगे, मुझसे मटेरियल लो आकर, मुझसे कोई डाउट हो वो भी पूछो आ करके। कोई यूट्यूबर अपना पर्सनल नंबर नहीं देता, वो देता भी तो वो केवल क्या है, पेड कोर्स के लिए। मैं पर्सनल नंबर दे रहा हूँ एडवाइस के लिए कि आओ मुझसे पूछो आकर के, क्योंकि मैंने यार लगभग यार दर्जन सुपर एग्जाम की लड़की है, ठीक है। तो मतलब इतना एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है कि मैं किसी को भी अच्छे से राह दिखा सकता हूँ। और मैंने अपने लाइफ में लगभग 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने सेलेक्ट करवा करके वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरी
कैटेबिलिटी बता सकते हैं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो बहुत अच्छा कमा सकता हूं, ठीक है। पर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं जो बहुत गरीब है, शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद इतना अच्छा डाटा जो मैं दे रहा हूं शायद उनकी अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है, ठीक है। ओके चलिए फालतू की बात बंद करते हैं, अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। बहुत सारी इमोशनल में कभी कभी बातें हो जाती हैं, माफ करिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 35 से लेकर 36 से लेकर 51 तक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरकार को ये सारे अधिकार दिए जाते हैं, इसके बीच में आप थोड़ी सी टिप्पणी भी पढ़ेंगे जो आपको मजा आएगी पढ़ने में। जैसे के डी शाह ने कहा है कि ये जो DPSP है ना, राजनीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ना, वो एक तरह का ब्लैंक चेक है, ठीक है, जिसका कोई बैंक ही नहीं है, ठीक है, चाहे जितना चाहो उतना कैश करो, ठीक है। और सही बात है, गवर्नमेंट जब सत्ता में आती है तो खूब आराम से पैसा कमाती है, क्योंकि यहाँ पर अनाप सा पैसा होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इनकी सोच जो थी बहुत अलग थी, वो सोचते थे यदि सरकार सत्ता में आएगी तो सरकार लोगों के भले के लिए काम करेंगे, मगर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया, ठीक है। ओके ऐसी कुछ अवधारणाएं आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं सीधे आता हूँ टॉपिक पर जो मुझे पढ़ाना है। बात करते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 बोलता है राज्य की परिभाषा। देखिए भाई, राज्य की परिभाषा यदि आप नहीं पढ़ा तो जाइए पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए राज्य की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। जब तक अन्यथा वर्जित ना हो, राज्य की परिभाषा में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। भाग 3 अनुच्छेद 12, ठीक है। अनुच्छेद 37 की हम लोग बात करेंगे। 37 क्या बोलता है भाई? 37 बोलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यदि मान लो यदि गवर्नमेंट शिक्षा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट आर्थिक सहायता नहीं दे रही है, गवर्नमेंट सामाजिक सहायता नहीं दे रही है, तो आप इसको ले जाकर के केंद्र यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य के नियम कानून है, ठीक है। राज्य चाहेगी तो करेगी, राज्य चाहेगी तो नहीं करेगी, ठीक है। कुछ राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम करती हैं, कुछ नहीं करती, ठीक है। तो ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, तो राज्य इसको देखेगा। मौलिक अधिकार के विषय में आप ले जाकर के कर सकते हैं। 38 देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाना, ये क्या है? गवर्नमेंट का काम है कि वो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और इसके अंदर सब टाइटल देखिए, सभी 38 पढ़ा देते हैं, 38 पढ़ाएंगे, 39 पढ़ाएंगे, 40 पढ़ाएंगे, 50, मगर कोई 38 का ए पार्ट नहीं पढ़ाएगा, कोई 38 का बी पार्ट। और जो UPSI के पेपर है ना, हलवा मत समझना मेरे भाई, जब आएगा ना तो कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा ये तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए 38 जो पढ़ा रहा ना नोट कर लेना, ठीक है। और यदि PDF चाहिए तो WhatsApp पे आ जाना, तो मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। गलत है थोड़ा सा, मगर आप समझ लोगे, ठीक है। ओके 38 ए बोलता है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके, ठीक है। 38 एक में बोलता है, 38 दो में बोलता है कि आय की असमानता को दूर किया जाएगा। देखो यहाँ पर आय लिखा होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मिसप्रिंट लिखे क्योंकि मैं ही टाइप करता हूँ, गड़बड़ हो जाता है। आय की असमानता को दूर किया जाएगा और विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न संस्थाओं के बीच में अवसरों की समानता को रखा जाएगा कि अवसर की समानता हो और प्रतिष्ठा और सम्मान की असमानता हो, ठीक है। मतलब सभी को समान अवसर मिले, असमानता ना फैल जाए, कि सबको अवसर मिले। जैसे मान लो आप देखो बहुत सारे लॉ भी बनाएंगे, जैसे SC और ST Act हो गया, आरक्षण की सुविधाएं। लोग सोचते हैं आरक्षण गलत, मैं कहता हूँ यार देखो, हम चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे माइनॉरिटी, भाई देखो सभी ने कुछ ना कुछ झेला है, ठीक है। तो उनके हिसाब से यदि उनको उठाने के लिए कुछ किया जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो सही है, ठीक है। या संविधान भी इसको परमिशन देता हो, तो हमें संविधान के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। हमें अपनी राय कभी नहीं रखना है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा डेमोक्रेट जितने भी होते हैं वो संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो आपको वैसी सोच नहीं बनानी, आपको संविधान के हिसाब चलनी है। कि आप जनरल हो, SC OBC कोई मतलब नहीं है, जब कंपटीशन में आओ तो जनरल हो आप, ठीक है। जनरल कंपटीटर हो कि मतलब आपको टॉप करना है, बस सीधी सी बात अपने दिमाग में एक चीज रखो, ठीक है। 38 हो गया। अब भाग 4 में बोलता है कि इसका सीधा संबंध जो है वो 38 से ही होगा, कि भैया समानता और आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, ये हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, ठीक है। 38 एक्चुअली बोलता है कि भारत में सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, ये अनुच्छेद 38 लाने का प्रावधान यही था कि भारत में आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को बनाया जा सके। 39 बोलता है कि राज्य के कुछ अनुसरण तत्व होंगे, कि कुछ होंगे पॉइंट जो राज्य को अनुसरण करना चाहिए। जैसे मान लो पुरुष और महिला को समान रूप से जीने का अधिकार देना चाहिए, और क्या बोलते हैं जीविका पैदा, यानी जीविका मतलब जो डेली बेसिस का होता नहीं, देखा होगा आपने महिलाओं पुरुष में बड़ा मतलब अंतर होता है, कि यदि महिला जाएगी तो मान लो उसे 5,000 रुपये देंगे, और यदि पुरुष जाएगा तो उसे 10,000 देंगे। जैसे आप देखेंगे छोटी जॉब, जैसे
पिंक कॉलर जॉब एक तरह का होता है, सोशोलॉजी में एक टर्म होता है पिंक कॉलर जॉब, मतलब वैसी जॉब है जो हर कोई करना पसंद नहीं करता, पर वो महिलाओं के लिए होती है, वहाँ पर लो स्टेटस भी होता है और लो सैलरी भी होती है, ठीक है। तो वो ख़त्म करने का सरकार का काम होगा, सरकार का काम होगा कि विभिन्न समुदायों के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होगा जिससे सामाजिक हित हो सके, अर्थात भौतिक संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जा सके, ठीक है, ये करना है। आर्थिक समानता इस प्रकार करें जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वधारण के लिए अधिकारिक ना हो, मतलब सभी को समान रूप से व्यवस्था प्रदान की जाए, मतलब किसी के साथ असमानता का व्यवहार ना किया जाए, ये इसका कहने का मतलब है। फिर ठीक है, फिर इसके बाद जो है धन और उत्पादन के साधनों का वितरण बात करता है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ए बी सी डी ई एफ जी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चौथा बोलता है पुरुष और महिलाओं को समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आजकल हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहा। इससे जुड़ा एक केस भी है कि रामधारी सिंह वर्सेज भारत संघ का एक केस है जिसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने की अनुच्छेद 14 और 21 में मौलिक अधिकार नहीं है, पर यह नीति निर्देशक तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मौलिक अधिकार भले नहीं है, वहां पर नहीं इंक्लूड किया गया, पर इसको आपको मान्यता देनी पड़ेगी कि समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब सही बात है यार, एक व्यक्ति को लेबरी कर रहा है तो वो भी उतनी मेहनत कर रहा, महिला भी उतनी मेहनत कर रही है, पर महिला को 200 रुपए दिए जा रहे और पुरुष को 300 रुपए, ऐसा क्यों, समाज में विभिन्नता क्यों आ रही है, ठीक है। तो इसको दूर करने का कार्यक्रम हम कौन करेगा, DPSP, भारत के नीति निदेशक तत्व, ऐसा कहा जाता है, पर अभी तक 70 सालों में ये पॉसिबल हो नहीं पाया। कुछ हद तक हो रहा है, ठीक है, मैं बुराई भी नहीं करूँगा, कुछ हद तक हो रहा है, मगर बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो रहा। कर्मचारियों की शक्ति और स्वास्थ्य तथा बच्चों की शिशु अवस्था को दुष्ट प्रभाव नहीं किया जाएगा, मतलब अब इसको मतलब क्या है, मतलब यदि कोई बच्चा है तो उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। अब जैसे मान लो आपने बच्चे को भरमा दिया, जाओ उसको मारियो, किसी बच्चे ने मार दिया, ऐसा आप IPC में पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मैं बताऊंगा, वहाँ पे मजा आएगी आपको। तो जो यदि मान लो बच्चे द्वारा कोई अपराध किया और यदि बच्चे को उत्साहया गया है कि उसने कहा कि मार दो जाकर, तो भैया बच्चे को केस यानी दंड नहीं मिलेगा, मिलेगा जिसने उसका आया, ठीक है। कर्मचारी की शक्ति, अब जैसे मान लो कोई बूढ़ा कर्मचारी है, एज हो गई है, 50 साल से ऊपर हो गया, तो आप उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डाल सकते कि मार फाइल उस पर काम किए गए, नहीं, ज़्यादा नहीं। तो आप इनकी व्यवस्था का दुरुपयोग, इनकी अवस्था का दुरुपयोग नहीं कर सकते, ये भी नीति निर्देश। अभी देखा होगा महाराष्ट्र में 55 साल से ऊपर जितने भी पुलिसकर्मी उनको छुट्टी दे दी गई है, यही कारण है, ठीक है। ये सब थोड़ा आप याद रखिए, इसी आर्टिकल के अंदर सब चीज़ें आती है। अनुच्छेद 39A बोलता है बच्चों की गरिमा को बनाए रखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा, उनका शोषण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 का एक पार्ट और है कि समान और निःशुल्क सहायता दी जाएगी, गरीबों को समान और निःशुल्क सहायता दी जाएगी जिससे उनका भी मतलब भारण पोषण हो सके और मेन धारा में वो भी आ सके। और आज के आखिरी धारा जो है वो पंचायत की बात करेंगे। अनुच्छेद 40 बोलता है पंचायत का गठन किया जाएगा। हमारे देश में तीन तरह की पंचायत, तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था हमारे देश में पाई जाती है, ठीक है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा जब पंचायत पढ़ाऊँगा, परेशानी वाली बात नहीं है। अनुच्छेद जो 40A बोलता है वो बोलता है अनुच्छेद पंचायत का गठन करना गांधीवादी सिद्धांत को आधारित है, क्योंकि गांधीवाद यानी गांधी जी चाहते थे कि हर एक राज्य में, हर एक जिले में पंचायत व्यवस्था हो जिससे कानूनी व्यवस्था को और अच्छे से बनाया जा सके, प्लस लोगों तक सुविधाएं बहुत अच्छे से पहुंचाई जा सके, इसलिए पंचायत व्यवस्था। जाहिर सी बात है, मान लो एक स्टेट है, ठीक है, मान लो एक स्टेट इतना बड़ा स्टेट है, अब उसमें बहुत सारे राज्य, छोटे छोटे राज्य हैं, तो बेटा हर एक राज्य में मान लो हर एक जिले में, हर एक ग्राम में मान लो 1-1 लाख पॉपुलेशन रहती है, तो क्या ये सरकार सब तक सुविधाएं पहुंचवा पाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगी भाई। अब पता नहीं इस राज्य में कौन सा, इस केस में कौन सा एरिया चल रहा है, कौन सा मतलब परेशानी है, सरकार तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती, इसलिए ग्राम पंचायत बनाई जाती है कि वो इंडिकेशन कर पाए इस एरिया में किस व्यक्ति को परेशानी है, कि स्वास्थ्य की परेशानी, शिक्षा की परेशानी है, कि क्या बोलते हैं कि बीमार तो नहीं है या फिर ऐसी कोई दुविधा हो, ठीक है, तो उसकी सहायता के लिए पंचायत बनाई जाती है। कोई मतलब आपराधिक षड्यंत्र हो गया तो वो तो आप गवर्नमेंट के पास सीधे जाएंगे नहीं, तो इनके लिए पंचायत का गठन किया जाता है। आपने नगर निगम पढ़े होंगे, ठीक है, नगर पंचायत आपने पढ़ा होगा, ग्राम पंचायत आपने पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊँगा, मजा आ जाएगी आपको। और इससे पहले मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पढ़ाया है, यदि आपने ना पढ़ा हो तो वहां पर जाकर पढ़िए, मजा आ जाएगी आपको, ठीक है, ओके।
ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी चीज़ें रखेंगे, अनुच्छेद 40 तक ही रखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते जाइए, और आपका प्रेम इसी तरह हमारे साथ बना रहे, और फैमिली को जितना हो सके शेयर करें, बढ़ाएं, और जिससे हम और अच्छे से लेक्चर और मोटिवेशन हमें मिलने पाए। थैंक यू सो मच।